हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी, लेके आया हूं आपके सामने फ्रेंड्स फिजिक्स बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जनरल साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप जानते हैं SSR के एग्जाम पेपर चल रहे हैं, रिसेंटली कुछ तो हो चुके हैं, अभी कुछ बाकी हैं और वाई ग्रुप के होने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समझिएगा ढंग से और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले कि जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ध्वनि और प्रकाश के वेग में किसका वेग अधिक होता है। देखिए सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, कभी आपने आसमान में बिजली कड़कती हुई देखी है? तो बिजली पहले कड़कती है, उसके बाद में हमारे पास आवाज़ आती है। तो मतलब कह सकते हैं कि लाइट हमारे पास पहले आँखों में आती है और जो है उसकी आवाज़ बाद में आती है। तो बोल सकते हैं ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, मतलब सबसे ज़्यादा चाल किसकी अधिक होती है? प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलोम। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा में किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। आप जानते हैं कभी आपने देखा होगा कि हमेशा लाइट जो बिजली आती है हमारे घर में, तो उससे उसमें लगाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। ठीक है, आपने कभी देखा है कि जो बैटरी से चलने वाली चीज़ में हम कभी इन्वर्टर वो लगाते हैं क्या, वो स्टेबलाइजर वगैरह लगाते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? मतलब उपग्रह से मतलब है सैटेलाइट जो हैं कौन से ग्रह के हैं, मतलब जो जैसे हमारी उपग्रह हमारी पृथ्वी का चंद्रमा है, तो ऐसे ही पूछ रहा है कि सबसे अधिक किसके हैं, तो शनि के हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जब हम पानी में खड़ी नाव से ज़मीन पर उतरते हैं तो नाव, आपने देखा होगा कभी आप नाव में बैठे हों तो अगर जमीन जब आप उतरते हैं उसमें से तो एक तरह से पीछे की तरफ हटती है, तो बोल सकते हैं कि वो पीछे की ओर खिसकेगी। नेक्स्ट देखिएगा, अवतल लेंस हमेशा बनाती है। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस आपने पढ़े होंगे। देखिए उत्तल लेंस तो इस तरीके की कंडीशन का होता है और अवतल लेंस इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसने पूछा है कि जो अवतल लेंस है ये वाला लेंस तो किस तरीके की जो छवि बनाता है या किस तरीके का प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा गाइस, छोटा आवासी और सीधा बनाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो फ्रेंड्स, जो रोज फ्यूज स्टार होता है वो है रोज मेटल से मिलकर बना होता है, मतलब रोज मेटल कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम कि मतलब किस किस मिश्रण से बनता है, ये बनाया जाता है टिन और पीवी के, मतलब लेड के मिश्रण से बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, उन दोनों के मिश्रण को क्या बोल देते हैं? लेड। जैसे हम बोलते हैं पीतल को किस किस से बनाया जाता है, पीतल किस किस से बनता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, न्यूटन की गति का प्रथम लॉ किसकी परिभाषा देता है? तो बल की परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मिलावट से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है? कोई इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर मिलावट की जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या है? बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ने रखा है, इसने पूछ रखा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक में सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक में सबसे अधिक होता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी रंग का। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत मोटर जो होती है किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी किरण विद्युत एवं चुंबकीय किरणों से प्रभावित नहीं होती? इनमें से कौन सी किरण है जो विद्युत और चुंबकीय दोनों किरणों से प्रभावित नहीं होती? तो गामा किरणें होती हैं जो कि किसी से प्रभावित नहीं होती। इनमें से कौन सी धातु जो विद्युत एवं ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक होती है? तो कौन सी धातु है गाइस? ऑप्शन नंबर डी, चांदी जो है विद्युत और ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक है। नेक्स्ट देखिएगा, ध्रुव पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है, ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वाधर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है या उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स, उसका जो है प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है गाइस। ई
सीजी, ईसीजी किस चीज़ से संबंधित है? तो ईसीजी बताना हमें किस चीज़ से संबंधित है गाइस, ऑप्शन नंबर बी हृदय से। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक स्टील में होता है। भूकंप के समय कौन सी तरंगें उत्सर्जित या उत्पन्न होती हैं? तो कौन सी तरंगें हैं जो उत्पन्न होती हैं गाइस, ऑप्शन नंबर बी अपश्रव्य। अपश्रव्य जो तरंगें हैं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को 4 मीटर ऊपर उठाया जाए तो उसका मतलब उसका कितना कार्य करना पड़ेगा उसके लिए? तो कार्य बताना है गाइस। देखिए इसमें पूछ रखा था, इसमें बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 22 में, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर है, उसे 4 मीटर ऊंचाई तक तो उठाया जा रहा है, तो कार्य कितना करना पड़ेगा? तो कार्य कितना करना पड़ेगा, तो डब्लू बराबर हम फाइंड करेंगे, इन सब का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, एम जी और जो एच है ना उसके एम जी एच। देखिए एम क्या दे रखा है इसका, 2 किलोग्राम। जी क्या है इसका, जो हमारे पास दे रखा है गुरुत्वीय त्वरण जो दे रखा है यहाँ पे 9.8, और इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आएगा 78.4 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है उसने, 20 मीटर ऊंचाई की इमारत से एक पत्थर को गिराया जा रहा है, अभी तो उठाया गया था, अब क्या कर रहा है वो पत्थर को नीचे गिराया जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? तो देखिए उसमें आप जानते हैं ऊंचाई दे रखी है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इसे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा टाइम। ठीक है, तो कितनी देर में पहुंचेगा, तो जी क्या था ना 10 दे रखा, तो कितना निकलेगा, 2 सेकंड में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे चलता है, तो देखिए 100 वाट का बल्ब है 10 घंटे चल रहा है, तो 1 किलो वाट पर डे हो गया। ठीक है, 1 किलो वाट पर डे हो गया। अब उसके कहा कि 30 दिन का क्या होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 दिन का 1 किलो वाट है, तो 30 दिन का क्या होगा, 30 किलो वाट। तो बता सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शुष्क बर्फ है तो उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के लिए भी शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।